विकी कौशल, राजकुमार राव और तापसी पन्नू फिलहाल बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर्स हैं। इनकी एक्टिंग और इनकी टैलेंट के लिए किसी प्रूफ की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों ही एक्टर्स की खूब बेइज्जती हुई थी, वो भी शाहरुख खान की एक दिवाली पार्टी में, जिस बात का खुलासा खुद विकी कौशल ने एक चैट शो पर रिसेंटली किया। विकी कौशल बताते हैं कि वो, तापसी पन्नू और राजकुमार राव तीनों ही इस बात से अनअवेयर थे कि उस पार्टी में सभी बॉलीवुड सितारे बड़े ही हैवी और ट्रेडिशनल एथनिक वेयर पहनकर आएंगे, जबकि विकी कौशल, तापसी पन्नू और राजकुमार राव यूं ही सादे कपड़ों में वहां पहुंच गए। और जैसे ही इन्होंने वहां का माहौल देखा, तीनों ही काफी एम्बैरेस्ड हुए थे। उन्हें फील हो रहा था कि वो शायद आउटसाइडर्स हैं, इसीलिए तीनों चुपचाप से एक कोने पर पर्दे के पीछे छुप गए और वहीं पर साथ में हैंग आउट करने लगे, जबकि दूसरी ओर बॉलीवुड के सभी सितारे इस पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे। विकी कौशल ने आगे रिवील किया कि उसी वक्त करण जौहर ने इन तीनों को देखा और इनके कपड़ों को देख कर बड़े ही ताव के साथ इनसे कहा, वी नीड टू टॉक। बाकी ये इंसिडेंट काफी फनी है, जिसे हमें पता चलता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कभी कभार अटायर मिस्टेक्स कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।